तो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा, बिकॉज मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट आए ना भाई, तो इम्पैक्ट कल के दिन होएगा। तो चलिए देख लेते भी आखिरकार रिजल्ट कैसे हैं। तो यहाँ पर देखोगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है उसको लेकर, और ऑल फिगर जो दी गई है वो इन रुपीज करोड़ में दे रखी है भाई। ये करंट क्वार्टर है, ये प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए टोटल इनकम की, तो इस कंपनी ने जो टोटल इनकम जनरेट की है वो है लगभग 4,984 करोड़, जो प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी 2,705 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 5,598 करोड़ थी। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर इनकम टूटी है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर इनकम हमें जो है ऑलमोस्ट डबल होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंस यानी जो खर्चे किए अभी कंपनी ने, तो अब के बार खर्चे कैसे रहे हैं, अब के बारे हैं 4,303 करोड़ के, जो प्रीवियस क्वार्टर में आपको 2,590 करोड़ देखने को मिल रहे थे वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 5,087 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर एक्सपेंस कम हुए हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आप लोग देखोगे एक्सपेंस में हमें जंप देखने को मिला है। बट रिवेन्यू अब के बार जो है वो इसके एक्सपेंस से आप लोग देखोगे ज़्यादा है भाई, ठीक है। मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है, बट कितना प्रॉफिट है यहाँ पर देखोगे, इस कंपनी ने जो टोटल प्रॉफिट जनरेट किया है अब की बार वो है 448 करोड़ का, यहाँ जो प्रीवियस क्वार्टर में सिर्फ 96 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 338 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। तो ईयर टू ईयर बेसिस पर प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छा जंप है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर भी हमें प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके अर्निंग पर शेयर यानी जो ईपीएस हमें देखने को मिला वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 11 रुपये 19 पैसे का रहा है अभी करंट क्वार्टर में, प्रीवियस में 2 रुपये 51 पैसे था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 8 रुपये 14 पैसे। तो इसके रिजल्ट से भी रिजल्ट काफ़ी शानदार है। रिवेन्यू सेगमेंट्स वगैरह वो यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार डिटेल में देख लेना किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है, ठीक है। इसके अलावा ये नोट्स वगैरह भी, इन्हें भी एक बार आप लोग डिटेल में पढ़ देना अगर आपके पास कंपनी है सीधा डिविडेंड बोनस ऐसा कुछ भी कंपनी की तरफ से जो अभी अनाउंस नहीं किया गया है। और इसका रिजल्ट्स का इंपैक्ट कैसा रहेगा, चलिए वो करते हुए मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि अर्निंग पर शेयर कितना आया है 11 रुपये 19 पैसे, एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी लगभग 8 रुपये 20 पैसे का, तो ईपीएस को तो अर्निंग पर शेयर को तो इसने जो है बीट किया है। इसके बाद रिवेन्यू आप लोग देखोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4,933 करोड़ का रहा है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी 4,390 करोड़ का, तो 4,390 करोड़ का एक्सपेक्टेड रिवेन्यू उसको भी इसने बीट किया, तो मार्केट एस्टिमेटेड को इसने बिल्कुल बीट किया है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा, कंपनी ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट किया है, तो कल के दिन इसमें एक बड़ा एक्शन हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।